हेलो। तो आज की वीडियो आप बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करांगे जो कि हैगा कि भाई कनेडा कैसे आए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे रस्ते हैगे हैं, किसे पैसा घट लगता है, किसे वध लगता है, बट इन द एंड जे आप समअप करिए सारा तो ऑलमोस्ट सेम जी कॉस्ट पैंदी है। तो कि वास्ते कि रस्ता बैटर है वो आप इस वीडियो गल करांगे। तो दस दवा कि जेडे भी आप वेज बारे गल करांगे वो सारे लीगल वेज है, कोई आप दूजे कामों बारे गल नहीं करांगे जिमें इलीगल काम होंगे ने, जिमें कि ब्याह करा लेना, डोंकी लवाना है ना, फेक LMI बनवानी आ, इदा इदा कोई आप गल डिस्कस नहीं करनी। हाँ, जेडे वेज प्रॉपर है चलते आ रहे हैं, लीगल है, सरकारी है कि नहीं, आप उन्होंने बारे गल करांगे। तो वीडियो शुरू करने तो पहले दस देव कि इस टाइम जोड़ा है वीज़ा अप्रूवल का सक्सैस रेट बहुत अच्छा चल रहा है। तो जोड़े बच्चों ने स्टडी वीज़ा लवाया होया उन्होंने अक्सैप्ट होने के चांसिस बहुत ज़्यादा है इस टाइम। तो जे गल करिए हूँ फॉल इनटेक की तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो बच्चे ऑलरेडी सितंबर बैच बुक कर रहे हैं। कई तो इतने तक कि क्योंकि सितंबर के बैच नहीं मिल रहे डेफर करके जनवरी का उन्होंने बुक कर लिया, तो सितंबर भी ऑलमोस्ट फुल हो रखे है। ये डिपेंड करेगा कि हाँ जी थोड़ा किहड़ा कोर्स हैगा, किहड़ी जगह पे हैगा, है ना, उस दे बेसिस ते थोड़ी सितंबर इनटेक च फाइल लग सकती है। बाकी अगर तुसी अजे तक फाइल नहीं लवाई तो मैं लिंक दे रहा कि ऑल अराउंड इमीग्रेशन तो तुसी अपनी फाइल लवा सकते हो, नॉट ओनली स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी, चाहे कैनेडा तो बाहर तो लवाना तुसी वीज़ा, इंडिया तो लवाना तो भी, जे कैनेडा च रह के थोड़ा कोई एक्सटेंशन करानी है, कोई होर चीज़ करानी है, सारे काम इत्थों हो जाएंगे। तो जे वीज़ा लवाने का सोचो इन्हों जरूर कॉन्टैक्ट करो, तो सितंबर बैच होनी अपना बुक कर लो। ओके, तो हम आप अपने टॉपिक आते जो कि है पांच वेज जेडे कैनेडा जिदे थ्रू एंटर कर सकते हो। तो सब तो बेस्ट जोड़ा है, सब तो सेफ, सब तो बेस्ट जो सब दे लायक भी है वो है स्टडी वीज़ा। सारे तो ही स्टडी वीज़ा लवाते हैं। एक तो सब तो पहली गल थोड़ा पैसा घट लगता है, ऑल इन्ना नहीं है, फर्क उन्ना ही आ जाता है। ऐसे कि 20 लाख तुम पहला देंगे हो फस्ट ईयर, 10 लाख तुम्हारा सैकेंड ईयर चाहिए, टोटल 30 लाख हो जाता है एक तरह तो। तो सेम 30 लाख उत्थी थोनों वर्क का भी इन्ना की पैंता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर जी गल है, बट ये थोड़ा सेफ है, स्टूडेंट वास्ते भी अच्छा है जिन्हों को वर्क एक्सपीरियंस नहीं है इन्ना, तो ईजीली कैनेडा मूव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी जनता ये ऑप्ट करती है वाला जोड़ा ऑप्शन हैगा। इट डजेंट मैटर कि तुम बच्चे हो स्टूडेंट हो तो ये करना है, बड़े लोग भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं इतने आगे। जे स्टडी वीज़ा बारे कोई भी जानकारी चाहिए हुई तुम ऑलराउंड इमीग्रेशन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जिन्हों को स्टडी नहीं होनी, ठीक है, जिन्होंने दसवीं भी नहीं हैगी, फेल होंदे आ रहे हैं ना, आइट्स घट मार्क्स आते हैं, या पढ़ाई च पढ़ाई नहीं करनी उन्होंने, मन नहीं है पढ़ाई करना मेरे वर्गे, तो वह क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपना प्रीवियस कोई वर्क एक्सपीरियंस हैगा इस फील्ड च, जे मैचिंग हैगा तो तुम इतें ही जॉब वास्ते अप्लाई कर सकते हो। इतने जॉब्स वास्ते भी बंदे नूं लोड़ पैंदी है, जे थोड़े कोल उन्हां नूं उन्हां दे क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो तुम उन्हां दी LMI फिल कर सकते हो। बाकी वर्क वीज़ा का इन्ना है कि थोनों प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है ना। जे हुण इह भी नहीं हैगा थोड़े कोल, तां थोड़े कोल तीसरी ऑप्शन खुल जाती है जो कि हैगा स्पाउजल। हुण तुहाडा क्या तुहाडे वाइफ या हसबेंड हैगे, तुसीं उन्हां नूं कैनेडा भेज दो, ठीक है ना, वो तो पढ़े लिखे होणगे, तुसी नहीं इन्ना पढ़ते चो जो भी है, और उन्होंने स्टडी भेज सकते हो, तुसी अपना विजिटर लवा सकते हो, ओपन वर्क परमिट ते आ सकते हो। अजकल सारे यही कर रहे हैं, जिन्हों तो नहीं बन रहा वो क्या करते, ब्याह करते हैं तो अपनी वाइफ या हसबेंड नूं भेज देंगे ने, कुछ महीने बाद आप आके उत्थे सैटलमेंट हो जाती है, तो सेम है, ठीक है, ये भी बड़ा सेफ तरीका है। बस जेडे अजकल चलते होंगे कि हाँ जी उसने ब्लॉक कर दिया, वो फोन नहीं चक रहा, ये चीज़ा थोड़ा ध्यान रखियो। बाकी ता ही मैं कह रहा सेफेस्ट जिहड़ा हैगा आप ऑर्डर वाइज ता ही दस रहे हैं, स्टडी हो गया, वर्क हो गया, हुण स्पाउजल हो गया, हुण अगले जिहड़ा चौथा पॉइंट है उस दी गल करते हैं। चौथा हैगा टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा क्यों, उस तो यही है कि हाँ भी घूम ले चले गए, है ना, वो चीज़ नहीं हैगी। कहानी शुरू होंदी है टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव होने तो बाद, जब तुसी इत्थे लैंड कर दिंदे हो कैनेडा, फिर तुसी इत्थे अपना टूरिस्ट वीज़ा नूं वर्क वीज़ा कन्वर्ट करा दिंदे हो। सेम उही जिहड़ा LMI वाला चक्कर सीगा, सेम उही हुंदा, इतने तुम कोई अपनी जॉब लभ सकते हो। फर्क इन्ना कि उत्थे एक बार तुम पैसे देने होंगे, इतने हालांकि टूरिस्ट वीज़ा का ज़्यादा कोई कॉस्ट है नहीं है, बट हों क्या है जब तुम इतने लैंड कर जाते हो 3 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, इन्ना कुछ टाइम के बीच थोनों जल्दी होंगी LMI की, तो जिन्हों को अप्रोच करते हो टाइम टपाते रहते ताकि थोड़ा टाइम घटता रहे, तो
ਇੰਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 40-50 ਲੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਭਰ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੇਫ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਬਟ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਓ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਆਈਲਟਸ ਦਾ ਟੋਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੋਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੋਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਡੈਪਥ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੈਠਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਪਰ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ